अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी अफ़गानी कोफ्ते की रेसिपी शेयर करेंगे। आपको देखने से अंदाज़ा लग गया होगा कितने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बने थे, तो सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वाइट ग्रेवी बड़ी क्रीमी अफ़गानी कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए ये हमने आधा किलो बोनलेस चिकन को अच्छी तरह से धोकर एक छलनी पर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो सके। इसी के साथ यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, 6-7 हरी मिर्च ली हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। इनको हमें ऐसे ही रफली काट लेना है क्योंकि हम ये कीमे के साथ पीसने वाले हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार में ये हमने सारी चीज़ें डाल लेनी है। इसी के साथ यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून और ये हमने वाइट पेपर लिया है, इसे दखनी मिर्च भी बोलते हैं, तो ये भी इसमें हमने 1 टीस्पून ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं हमने, इनको भी ऐसे ही तोड़कर डाल लेना है जिससे कोफ्ते के अंदर ना अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अब 1/2 टीस्पून ये हमने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी हम पहले दे चुके हैं, बहुत ही शानदार ये पाउडर बनकर तैयार हुआ था, तो आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अभी हमने इसे मोटा मोटा सा ऐसे ही पीस लिया है क्योंकि ये हम चिकन के साथ भी बारीक पीस लेंगे। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे, आधा आधा करके हम ये पीस पाएंगे क्योंकि हमारा चॉपर ख़राब था तो हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर हम इस अच्छा सा इसमें खुशबू के लिए देसी घी ऐड करेंगे जिससे हमारे कोफ्ते जो हैं बहुत मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे, बहुत मुलायम कोफ्ते हमारे बनने वाले हैं। तो ये हमने 1.5 टीस्पून यहाँ पर हमने देसी घी इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को पीस लेना है। तो देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से हमने एकदम बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट कीमा है क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है, ना यहाँ पर हमने काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा स्मोक लगाएंगे, तो जिसके लिए हमने कोयले इसमें हमने गर्म करके रख दिए हैं, ऊपर से हम देसी घी डालकर इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे बहुत ही अच्छा कोफ्ते के अंदर तंदूरी सा फ्लेवर आ जाएगा। बड़ी शानदार ये रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो आप लोग इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो देखिए 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे जो कीमा है तैयार हो चुका है, इसके हमने ये छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब यहाँ पर पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे क्योंकि कोफ्ते हमें फ्राई करने हैं, जिसके लिए एक प्याज, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च ले ली है। तो ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब जो प्याज, हरी मिर्च और अदरक हमने काटा था वो इसमें हम ऐड करके बस हम इसे सॉफ्ट होने तक 1-2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है। इसका हमें बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं हम बिल्कुल वाइट ग्रेवी में तैयार करेंगे। तो देखिए बस ये हो चुका है, अब हमने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है, इसे थोड़ा सा ठंडा करके हमें पीसना है। इसी के साथ हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, आप देखते जाइए। तो ये हमने जार में डालकर अब इसमें यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं 10-15, यहाँ पर हमने बादाम ले लिए हैं जिनका हमने भिगोकर इनका छिलका रिमूव कर दिया है। इसी के साथ हमने 1 कटोरी यहाँ पर हमने ये मगज़ लिए हैं जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगी। बस हमें इन्हें पानी डालकर पीस लेना है। तो देखिए हमने सारा मसाला पीस लिया है, आप देख सकते हैं एकदम वाइट है। इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही हमारा वाइट ग्रेवी वाला ये सालन बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही हमने इसमें बटर ऐड किया है। बटर भी आपको जितना पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये सारा आप बटर में भी बना सकते हैं।
तो ये मेल्ट हो चुका है। इसी के साथ ये हमने एक सिनेमन का टुकड़ा इसमें खुशबू के लिए ऐड किया है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आने वाली है। तो बस ये हो चुका है। अब जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये डालने के बाद बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं, तो हम इसे जल्दी से इस तरह से चलाकर गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम इसे कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसे बीच बीच में चलाते भी रहना है क्योंकि नट्स जो हैं बहुत जल्दी जलने लगते हैं। इसी के साथ ये आधी कप हमने दही फेंट कर इसमें ऐड कर लेनी है, और जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर देना है ताकि दही जो है फटने ना लगे। अब इसी के साथ यहाँ पर हमने 1 कप घर की उतरी हुई मलाई ली है। मलाई की जगह आप इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बस मलाई डालने के बाद भी हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। और बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें क्या करना है देखते जाइए। अब यहाँ पर हमने इसमें भी 1 टीस्पून या हमने दखनी मिर्च इसमें वाइट पेपर इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये ऐड करना है। इसी के साथ यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और गैस की फ्लेम लो कर देनी है। एक साइड हम इसे पकने के लिए रखेंगे, इसे कवर कर देंगे। जब तक ये पकेगा तब तक हम अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो देखिए कवर करके हम इसे अलग रखते हैं और कोफ्ते फ्राई करते हैं। 10 मिनट में ये अच्छे सेट हो चुके हैं। ऑयल भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इनको भी हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कोफ्ते फ्राई करेंगे, और हमें इन्हें खूबसूरत सा कलर आने तक ही फ्राई करना है। बहुत डार्क कलर हम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे बड़े खूबसूरत से कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। जब फ्राई होंगे तब उसके बाद आप इसका लुक देखिएगा। आप देख सकते हैं हमें बस ऐसा ही खूबसूरत सा इनका कलर चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह से इनमें बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इस तरह से लट पलट कर हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये 70% तक समझ लीजिए कुक हो चुके हैं। बाकी हम इन्हें 15 मिनट के लिए ग्रेवी में डालकर पकाएंगे। बस इन पर जैसा कलर हमें चाहिए वैसा कलर इन पर आ चुका है। अब हम इन्हें निकालते हैं और बाकी के बचे हुए कोफ्ते भी हमें इसी तरह से तेल में डालकर फ्राई कर लेने हैं। तो सारे कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस आप इनका कलर देखिए, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम अपना मसाला चेक करते हैं। बीच बीच में हमने मसाले को 1-2 बार चलाया भी है क्योंकि बादाम जो हैं हमारे जलने लगते हैं। अच्छा, बादाम की जगह आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही क्रीमी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब हम इसमें, क्योंकि हमें कोफ्ते अभी हमें और पकाने हैं, तो उसके लिए हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। आपको जिस तरह की ग्रेवी रखनी हो आप इसमें पानी उतना ही ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। तो सारे कोफ्ते हम इसमें डाल लेने हैं, और कोफ्ते डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट पकाएंगे ताकि कोफ्ते जो हैं पूरी तरह से पक सकें। बस सारे कोफ्ते डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है और इसे कवर कर देना है।
तो देखिए कोफ्ते पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून से भी कम इसमें चाट मसाला ऐड करना है। और इसी के साथ यहाँ पर हाफ टी स्पून हम गरम मसाला ऐड करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और जायका तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते बनकर तैयार होने लगे हैं। तो देखिए माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते जो हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दिया है, जो इसकी जायके को भी बढ़ाएगा और खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे वाइट ग्रेवी अफगानी कोफ्ते बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। बस हम इन्हें डिश आउट करते हैं। तो हमारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशबूदार वाइट ग्रेवी अफगानी कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।